बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का काम लॉरेंस बिश्नोई की मिल रही धमकियों के कारण अब ज्यादा प्रभावित होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में सलमान के अच्छे दोस्त बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर जान ले ली गई और इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान को भी धमकियां दी है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। हाल ही में अपना टीवी शो बिग बॉस 18 होस्ट कर रहे सलमान को वीकेंड वॉर में धमकियों के कारण कुछ परेशान नजर आए। अब खबर आ रही है कि सलमान के काम पर बिश्नोई गैंग की धमकियों का असर पड़ता नजर आ रहा है। अब उनकी जो अगली फिल्म है उनका शूट भी उन्होंने टाल दिया है और एक रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि बिश्नोई गैंग की धमकियों के चलते सलमान अब अपने वर्क कमिटेड भी लिमिटेड कर रहे हैं। सूत्र ने कहा कि अब सलमान को सिर्फ कड़ी सुरक्षा देना पर जो है काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। सलमान को अब बहुत छुपा कर अपना काम करना पड़ रहा है। कुछ समय के लिए वो कुछ भी नया नहीं शूट करने वाले हैं और ये कब तक चलने वाला है ये भी अभी तक तय नहीं किया गया। सलमान से जुड़े इन सूत्रों ने कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सिकंदर में बहुत सारा जो कोरियोग्राफी है वो बाकी है, एक्शन शूट्स जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। सलमान ने सारे शूट्स अपने टाल दिए हैं। अभी हाल ही में सिकंदर फिल्म की वो शूट में बिजी हुए थे, लेकिन अब जो है सिकंदर फिल्म की शूट उन्होंने कैंसिल कर दी है।